जब से बड़ी बड़ी कंपनियों का बाजार में आना जाना हुआ है, लगातार छोटे दुकानदारों की मौत सी आ गई है। एक तरह से कहे तो उनकी बिक्री ही बंद हो गई। ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही सामान खरीदारी कर लेते हैं और लोग फुटकर दुकानों में जाना लगभग बंद सा कर दिया, जिसके चलते इन लोगों की दुकानदारी लगभग ठप सी पड़ गई। अगर यही हाल बना रहा तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब इन लोगों को अपना दुकान ही बंद करना पड़ेगा। आज व्यापारियों ने रैली निकालकर प्रशासन को यह सूचित करते हुए बताया है कि अगर आगे के समय में बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य एक नहीं हुए तो न जाने कितने लोगों को अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा और लाखों लोग व्यापारी के कर्ज में डूब जाएंगे। लोगों ने बैंकों से लोन लेकर अपना व्यापार शुरू किया है, वह किस तरह से अपना कर्ज वापस करेंगे? इस वजह से भी व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि सामानों का विक्रय मूल्य और खरीद मूल्य एक होना चाहिए, जिससे कि ऑनलाइन सिस्टम और दुकानदारों को किसी भी तरह की रियायत न बरती जाए और बिक्री एक जैसी हो जाए, नहीं तो सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा ये ऑनलाइन के खिलाफ आंदोलन बहुत हम लोग करने जा रहे हैं कि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, एमआरपी एक होती है तो लैंडिंग डेट में अंतर क्यों? जितनी भी आजकल उड़ान तमाम सारी आ गई है तो जब अमेज़न कई कंपनियां हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर उनका रेट अंतर हो जाता है, उनका रेट क्यों अंतर हो जाता है? तो लैंडिंग एक देश एक रेट हो जाती है। सबका साथ सबकी विकास की बात हो रही है तो एक होना चाहिए। हमसे सस्ता सामान को क्यों दिया जा रहा है? माल मिलता है, करोड़ों करोड़ों का व्यापार इससे खत्म हो रहा है, सारा पॉइंट ही तो खत्म हो जाएगा। रोजगार हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है, उसके बाद करेंगे हमारी शुरुआत आंदोलन की। इस आग को पूरे प्रदेश में हम लोग फैलाने का काम करेंगे कि अपने आप जो हमारे